एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वर्तिका है और ये बेसिकली मेरा डांस व्लॉग है। सो इस दिन मैंने गाना शूट किया था चटक मटक, और फीलिंग्स गाने का ट्यूटोरियल भी मैंने इसी दिन किया था। वैसे मैंने 4 गाने शेड्यूल किए थे इस दिन के लिए, बट डांस व्लॉग शूट करने में ना मैं लेट हो जाती हूँ हमेशा मेकअप करने में, और मैं दो ही शूट्स कर पाई थी बेसिकली इस दिन। सो अभी हम मेकअप कर रहे हैं, फेस सीरम मैं लगा चुकी हूँ और ये प्राइमर है लैक्मे का जो मैंने अपने लेड एरिया पे लगाया है। हाँ तो जी, अब क्या हुआ था ना, मुझे बड़ा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कट क्रीज के, सो मेरा बड़ा मन था करने का, तो मैंने क्या किया, एक ये NYB का कंसीलर खरीद लिया। मैंने कहा कट क्रीज करेंगे, मैंने कभी करी नहीं है कट क्रीज, सो अच्छी भी नहीं हुई थी वैसे तो, बट ठीक ठाक हो गई थी, काम चल गया था मेरा। सो ये मैंने पूरा कंसीलर अप्लाई कर लिया लेड एरिया पे। ये कॉम्पैक्ट है लैक्मे का जिसे मैं अपने लेड एरिया पे अप्लाई करूँगी सो दैट ये क्रीज ना करे कंसीलर। चलिए जी, अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे। ये मेकअप रिवेलेशन का रीलोडेड पैलेट है जो जिसमें से मैंने ये पीची शेड यूज़ किया है। अब इसे मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ना इशारोस बड़े पसंद आते हैं बिकॉज इतने सारे कलर्स होते हैं और आप इतने सारे कलर्स में से कितनी कितनी क्रिएटिव शेड्स आप बना सकते हैं, सो आई रियली लाइक दैट। तो ये रेड, डार्क रेड कलर का शेड मैंने पिक किया है। बगैर ना मैं इसके क्रीज एरिया पे फिल कर रही हूँ। बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें से मैं ये गेस कर पाई थी कि क्रीज एरिया पे बहुत डार्क शेड एक अप्लाई करते हैं और फिर कंसीलर से कट क्रीज करते हैं और उसके बाद में उस कट क्रीज पर ग्लिटर यूज़ करते हैं तो उससे एक मस्त लुक बन जाता है। एंड एक्चुअली कट क्रीज बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अब इसमें से ये थोड़ा मैंने हाथ इधर उधर हो गया, पर्पल वाला जो शेड था लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है। चलिए जी, अब बारी आती है कट क्रीज करने की। अब एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास में इससे पतला ब्रश नहीं था, बहुत पतला ब्रश चाहिए होता है वैसे इसके लिए, आई थिंक फ्लैट ब्रश चाहिए होता है, तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने जो कंसीलर के साथ में ब्रश आता है उसी को यूज़ किया है। सो आप देखेंगे कि एक बच्चे के हाथ में जब नया खिलौना देते तो वो कैसे करता है, वैसा सही कुछ हुआ था ये। अब ना मैंने इसे दोनों आइज़ पे कर तो लिया, उसके बाद में मैं वेट करे जा रही हूँ कि ये सेट हो जाए, पर ये सेट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं कितनी देर वेट करूँ, और मैं बहुत लेट हो गई थी शूट के लिए, तो मैंने कहा फेस मेकअप से स्टार्ट कर लेते। तो मैंने सारे ब्लेमिशेस पे कंसीलर अप्लाई कर दिया है, और जैसे जैसे वीडियो में बताया था वैसे वैसे मैंने अंडर आई पे अप्लाई किया जहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं, और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, और फिर ये जो सर पे जो ड्राइंग बनाते हैं वो, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। बट कुछ खास अच्छा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मेरे ब्लेमिशेस तो छुपे ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो शायद मुझे नेक्स्ट टाइम कलर करेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब ना मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इसको फाउंडेशन के पहले लगाऊं या बाद में, तो मुझे जैसे याद आया मैंने लगा लिया, मैंने पहले लगाया, अब इसके बाद में मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये लीजिए, अब फाउंडेशन की बारी आती है। मैं लॉरियल पैरिस का ट्रू मच फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका भी कवरेज बहुत अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, ये शेड भी बहुत लाइट आ गया है, मेरे पास में टाइम कम था इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क नहीं कर पाई, नहीं तो मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट इसमें मिक्स करती, इसको थोड़ा सा डार्क करती, बट आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर लिया। इसका भी कुछ खास कवरेज नहीं आता है, मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली, पर फिर वही अब खरीद लिया तो वेस्ट थोड़ा ना करेंगे, तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे को टॉप मेकअप तो करना आता नहीं है, ठीक ठाक सा मैं डांस के लिए जितना मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है उतना मैं कर लेती हूँ ठीक ठाक सा। अभी पूरा ब्लेंड कर लिया है मैंने अपना फाउंडेशन, इसके बाद में मैं सेम लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। अब
चलिए वापस से आइस पे चलते हैं। अब ये रेवोल्यूशन का दूसरा पैलेट है मेरा, इसमें से पिंक ग्लिटरी शेड मैंने लिया है। अब मैंने दुनिया जहान का दम लगा दिया इस पिंक शेड को, ग्लिटरी शेड को अपने आईलिड पर ट्रांसफ़र करने के लिए, पर वो हो ही नहीं रहा है। अब फाइनली फिर फिंगर से नहीं हुआ तो मैंने ब्रश से ट्राई किया, फिर ब्रश से भी नहीं हुआ तो फिर ब्रश पर मैं मेकअप फिक्सर लगाया और उसके बाद में मैंने ट्रांसफ़र किया तो थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होने लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। उसके बाद मैं एक पीची शेड लेके इन दोनों आई शेडोज को मर्ज किया कॉर्नर्स से। अब फिर मुझे अचानक से याद है कि मेरे पास में स्विस ब्यूटी का एक गोल्डन ट्यूब भी पड़ा है, तो मैं वो निकाल कर लेकर आई। फिर मैंने थोड़ा सा अप्लाई करके देखा तो वो ठीक ठाक लग रहा था, तो मैंने उसको पूरी कट क्रीज पर अप्लाई किया। फिर देखना तो चाहिए ना थोड़ा सा चमक चमक वीडियो में, नहीं तो मज़ा ही नहीं आता है। अब इसको अप्लाई करके मैंने इसकी फिंगर से पहले तो क्रीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट करी ताकि हार्श लाइंस ना दिखे, उसके बाद में फिर ब्रश से करी। अब ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है मेरे पास में। अब ये क्या है ना, स्विस ब्यूटी के जो अब गोल्डन वाला जो ट्यूब लगा लेते हैं ना, उसके बाद में फिर लाइनर है ना, ये पता नहीं क्यों दिखता नहीं है, तो मुझे 3-4 कोट लगाने पड़ते हैं उसके। चलिए अब आईज़ को और खूबसूरत कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं, उसके बाद में मस्कारा लगा लेते हैं इन पर। वापस फेस पर चलेंगे हम। वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लश है मेरे पास में। अब मैं थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रही हूँ ताकि अच्छे से लगे मेरा ब्लश। अब ये मार्स का मेकअप फिक्सर मैंने यूज़ किया है तो इसको मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया। अब जब मेरा फेस थोड़ा सा डैम्प रहेगा, थोड़ा सा गीलापन रहेगा उसमें, तभी मैं हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी। मास्टर क्रोम का हाईलाइटर है ये, बहुत ही खूबसूरत हाईलाइटर है। तो और जब हम इसे थोड़ा सा वेट सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो ये और ज़्यादा मतलब डबल ट्रिपल इसका ग्लो आता है, तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल। और डांस में बेसिकली दिखता तो क्या, चमकता तो हाईलाइटर ही है सारा, तो भर भर के लगाती हूँ मैं तो, मस्त बढ़िया खूब सारा तो मैंने सब जगह पर अप्लाई कर लिया इसे, सारे हाई पॉइंट्स पे, चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज, ऑन द आर्च ऑफ माई आईज और क्यूपिड्स बो पे, सब जगह। ये रोजी संडे है लैक्मे का लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ। चलिए जब हम हो गए तैयार, ये लुक वन है मेरे वीडियो में से जो फीलिंग्स के ट्यूटोरियल के लिए मैंने यूज़ किया था। अब ये लुक सेकंड है मेरा जो मैंने चटक मटक के लिए यूज़ किया है। चलिए अब फटाफट से ब्लूपर्स देख लेते हैं। एंटीना जैसे बाल खड़े हो गए मेरे मैं बेबी हेयर आई रियली कांट टेम देम डाउन। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पर्सनली मुझे ज्यादा मजा नहीं आया इस शूट को करने में, तो गाना बहुत अच्छा है बट मेरे पर्सनल रीजंस में भी मेरे को माहौल अच्छा नहीं मिला शूट के लिए, तो मेरे थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। डू गो एंड वॉच दिस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो, और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो आई लीव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द आई बटन, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब, बाय।